सुषमा सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जब से बिहार में राजनीति की तस्वीर बदली है तब से चिराग पासवान काफी चर्चे में है। जी हां, नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है उसके बाद देखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार पर हमलावर है। लेकिन इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के साथ आखिर नीतीश कुमार ने क्यों गठबंधन तोड़ा इसके भी वजह बताते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान कहीं ना कहीं यहां पर नीतीश कुमार से खफा है, लगातार नीतीश कुमार पर हमला भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में चिराग पासवान ने दो कारण बताए हैं बीजेपी और आरजेडी पार्टी के गठबंधन को पैच। हाल ही में यहां पर चिराग पासवान ने दो मुख्य कारण बताए हैं जिस वजह से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा है। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बता देते हैं आखिर वो क्या वजह है जो चिराग पासवान को लगता है कि नीतीश कुमार ने आज जो है आरजेडी पार्टी के साथ गठबंधन किया और बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर किया। देखिए रिपोर्ट। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया है कि किन दो कारणों से नीतीश कुमार ने पाला बदला और बिहार में सरकार बदल दी। चिराग पासवान ने कहा कि सृजन घोटाला और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड ने नीतीश कुमार को पाला बदलने पे मजबूर कर दिया। मन में चोर उसी के होता है जिसने कुछ अपराध किया हो। जी हां, चिराग पासवान ने रविवार की शाम दरभंगा में थे और वहीं से उन्होंने जो है अपने समर्थकों ने जो है जोरदार उनका स्वागत किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि अगर मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह कांड की जांच होकर अपराधियों को सजा मिल जाता तो पटना में दोबारा ऐसी कोई भी घटना नहीं होती। वहीं चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट साथ निश्चय योजना है। बिहार में किसी भी इलाके में चले जाइए, जल मीनार तो है लेकिन टंकी जो है वो टूटी हुई है, कहीं पाइपलाइन तो कहीं सड़कें सिर्फ खोद कर रख दी गई है। वहीं बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर भी चिराग ने कहा कि बिहार अब जो है यहाँ पर बिहारी फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं और समर्थन वाली सरकार बिहार में जरूर आएगी। उन्होंने कहा कि इतना दावा के साथ तो मैं कह सकता हूं कि अगली कोई भी सरकार आएगी कम से कम मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई भी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं करने वाला है। यानी कि अगर 2025 में एनडीए ने चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को समर्थन नहीं करने वाली है अगर वो साथ में भी आती है। इसके बावजूद बीजेपी जेडीयू का गठबंधन खत्म तो हो चुका है। वहीं अगर महागठबंधन की भी बात की जाए तो अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। यानी कि देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी सूरत में अब सीएम का चेहरा दोबारा से नहीं बनने वाले हैं, ये दावा चिराग पासवान कर रहे हैं। साथ ही कई सारे गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप जो है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर लगाया है। बीजेपी के साथ पूरी तरह से खड़े नजर आ रहे हैं चिराग पासवान और बीजेपी के साथ मिलकर अब नीतीश कुमार पर जोरदार हमला चिराग पासवान ने बोला है। तो जैसा कि आपने देखा कि चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री अब कुछ भी हो जाए, चाहे वो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जाके जुड़े या फिर महागठबंधन के साथ रहे, कोई भी पार्टी नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहेगी और ना ही उन्हें ये कुर्सी देना चाहेगी। यानी कि 2025 में अब चाहे वो आरजेडी खेमे में रहे या बीजेपी के खेमे में रहे, कोई भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहेगा। चलिए अब देखना यही है कि तेजस्वी यादव पैच, चलिए अब देखना यही है कि चिराग पासवान के इस दावे में कितनी सच्चाई है और आने वाले समय में जो दावा यहाँ पर चिराग पासवान कर रहे हैं वो कितने हद तक सही साबित होता है। आपके इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।